हेलो गाइस, वेलकम ब्लॉग्स द सपनिल शो। और मैं जा रहा हूँ छत पे, ये बालकनी है मेरे आगे की। और अब मैं जाके स्किपिंग करता हूँ छत पे। ये बालकनी देखो, पीछे का एरिया है, ये विजय पार्क एरिया है देहरादून का, और काफ़ी अच्छा एरिया है। तो मैं तो चला छत पे, आपको जैसा बताया था कि मैं स्किपिंग करता हूँ छत पे जाके, कम से कम 1000। और थोड़ी मोटी एक्सरसाइज भी करता हूँ। कहाँ, थर्ड फ्लोर पे है हमारा, वहीं जा रहा हूँ मैं छत पे। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है आज, तो धूप हो रही है, आसमान भी साफ है, तो लगता है नहीं बारिश होगी। उफ, ये चलना भी अपने में एक एक्सरसाइज हो जाती है, छत पे जाना। और आप लोग कैसे हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर प्यार दीजिए। आप लोग नया चैनल है तो नए चैनल से थोड़ी दिक्कत तो होती है चलाने में। वाह, छत का नज़ारा तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, धूप आ रही है, सूर्य भगवान को नमस्ते कहते हैं, और ऊपर से देहरादून का नज़ारा फिर बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा, एक बात बता दूँ तो रस्सी कूद तो मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। प्राउड नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी फास्ट मारता हूँ। कई लोग मेरे को देख के सोच नहीं पाते, क्योंकि मोटे लोगों को देख के लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो लेकिन मैं आपको बता दूँ तो मैं इसकी भी काफ़ी अच्छी कर लेता हूँ, क्योंकि बचपन में बहुत पतला था, तो उस समय बहुत ज़्यादा खेलते थे, क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा खेलते थे, क्रिकेट हो गया और फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सब मैं काफ़ी खेलता था। तो एक बार आपको स्किपिंग करके दिखाई देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी विश्वास आ जाए। तो एक बार आप लोगों को स्किपिंग करके दिखाई देता हूँ, ताकि आप लोगों को विश्वास आ जाए। तो अभी अकेला हूँ तो थोड़ा इसको लंबा करना पड़ेगा, ताकि आप लोग देख सको। ओ भाई, सब कुछ है ट्राईपॉड में, इसको सामने रख देता हूँ मैं, यहाँ से दिख ही जाएगा आपको। चलिए चलिए फिर शुरू करते हैं स्किपिंग करना। रिंग को मैंने बीच पर लिया है, रिंग का बीच पर लाना जरूरी है, वरना रस्सी टूट भी सकती है। आइए चले शुरू करते हैं। ओ, मोबाइल जेब में रहेगी, हम मोबाइल को रख दिया। टाइम देख लेता हूँ एक बार, एक मिनट। चलिए शुरू करते हैं। ये तो मैंने सीधे मारी, अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैं उल्टी भी मार लेता हूँ, स्किपिंग उल्टी भी कर लेता हूँ, तो दिखाता हूँ आपको। और एक पैर से भी मैं स्किपिंग कर लेता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा हाँफ गया हूँ, तो ये मत समझना कि बहुत थक गया हूँ। स्किपिंग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जिम करते हो या कहीं पर भी एक्सरसाइज करते हो, अपने बालकनी में करते हो, घर के अंदर करते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे जो आपकी कमर का एरिया है वो थोड़ा कम होता है, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है स्किपिंग। और सामने आपको दिखा दो, सामने मसूरी है, देखिए
ये सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही है ये आपकी मसूरी की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे लोग अभी 31 बनाने आए हैं। और उसके थोड़े से बगल में धनोल्टी है, ये देखो देहरादून में चारों ओर का एरिया। सामने बिल्डिंग्स है और छत पे मुझे पूरा घूमने को मिल जाता है, सारी एक्सरसाइज मैं कर पाता हूँ छत पे। तो अभी नीचे जाके मैं और एक्सरसाइज करूँगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था ब्लॉग में कि सिटअप्स कर लेता हूँ मैं और पुशअप्स मारता हूँ। पेट की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और आजकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक बात बोलता हूँ, मेरा जो दूसरा चैनल है स्वप्निल वेल्थ मंत्रा, उसमें करीबन 51,000 सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज़ उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को भी ज़रूर देखिए। उसमें मेरे बिजनेस से रिलेटेड बातें, फाइनेंस से रिलेटेड बातें और कैसे पैसे कमाते हैं वो सब कुछ बताता हूँ उसमें। तो आप लोगों का सपोर्ट उस चैनल को भी चाहिए, उस चैनल को प्लीज़ ग्रो कराने में मेरी मदद करिए और इस चैनल को भी ग्रो करने में। एक बात और बोलता हूँ, उत्तराखंड के एक सौरव जोशी हैं, काफ़ी अच्छे ब्लॉगर हैं। उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ, मैंने वीडियोस देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सर उससे पहले उनके एक शायद भाई हैं वो साहिल जोशी, उनकी भी वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं ब्लॉग में। तो एक्सरसाइज तो मेरी कंप्लीट हो गई छत वाली, अब मैं जाता हूँ नीचे, बहुत थक गया हूँ। अब नीचे एक्सरसाइज करूँगा पेट की, मैं नीचे जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, आजकल की लाइफ में जैसी भागा दौड़ी वाली लाइफ है, फिट रहना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, ये मैंने अब समझा है। पहले मैं कुछ भी खा लेता था और एक बार भी अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। तो पहले मेरा जो वेट था बिफोर मैरिज करीबन 74 था, और मैंने इतना खाया कि 86 हो गया अभी। तब जाके मुझे झटका लगा, मैंने देखा मैं तो सही से कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैंने डाइटिशन रखी अपने पास, एयर डाइटिशन से हेल्प ली, तो अभी थोड़ा सा फिट महसूस कर रहा हूँ। 2-3 किलो कम हो गया है, घर के अंदर आ चुका हूँ मैं। और मेरी मम्मी ब्रेकफास्ट कर रही है, मम्मी अभी जा रही है कॉलेज, मम्मी मेरी टीचर है। अब देखते हैं न्यू क्या कर रही है। अरे न्यू तो सो रही है भाई, न्यू को डिस्टर्ब नहीं करते, न्यू अभी सो रही है। और मेरी वाइफ अभी किचन में हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। हाय कह दो। हेलो। हाँ, आज पालक के पराठे बन रहे हैं। और मेरी डाइट की वजह से लोगों को भी ये खाना पड़ता है, चाहे सुबह कहो, दिन में कहो, शाम को कहो, वरना वाइफ को 2-3 चीज़ जैसे बनानी पड़ती है। तो मेरी डाइट चल रही है सभी की, तो सबके लिए भी सही है। मुझे मत कहना। नहीं अभी सैलड खा रही है, इसकी मम्मी उसे सैलड खिला रही है और बहुत ही प्यार से खा रही है। पूरा मुंह भर दिया भाई नीयू ने, नीयू का जीपर भी है बगल में, इसे पानी पीती है। और ये मंकी कैप इसको बना रखी है, जब ठंडा हो रहा है इसको देहरादून में, मंकी कैप बनाई है। अभी पेट नहीं भरा है नीयू का, बीच बीच पे सफाई करनी पड़ती है। हाँ गौर से देखो कैमरे में नीयू। अब तो नीयू को काफ़ी चीज़ें देनी पड़ती है, माट का पानी, थोड़ी थोड़ी दाल, जितनी भी पतली चीज़ें होती है नीयू खाती है। और 11 जनवरी को नीयू का 7th बर्थडे आ जाएगा, बहुत प्यार से खाती है, बच्चों को प्यार से देखना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे खाते हुए। तो नीयू आपको तो सभी देखना चाहते थे, तो अब व्लॉग बंद कर दें ये, कुछ दिखाना चाहते हो नहीं? चलिए फिर आज का व्लॉग इतना ही, कैसा लगा आप जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय।